हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए लेके आए हैं ऑल न्यू 2022 की अप्रिलिया 125 स्ट्रोम, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है मैट येलो कलर में। तो ये गाइस टोटल 4 कलर्स में प्रेजेंट है, रेड, ब्लू और ग्लॉसी वाइट और येलो, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं ग्राफिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में लिखे हुए हैं, फुल एग्रेसिव स्टाइल्स में आप बोल सकते हो। तो गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके ऑल ओवर न्यू चेंजेस, न्यू अपडेट्स के बारे में, कि क्या ये बाइक आपको 2022 में बाई करनी चाहिए, क्योंकि 125 सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स अभी हमारे मार्केट में आई हुई है, जिसमें आपको ऑल न्यू अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। किसी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ मिल जा रही है, किसी में आपको 60 प्लस स्मार्ट कनेक्ट्स का ऑप्शन मिल जा रहा है, कोई कंफर्ट के हिसाब से अच्छी है, कोई प्राइस के हिसाब से अच्छी है, कोई लुक्स वाइज अच्छी है। तो यही बाइक क्यों अगर आप परचेस करना चाहते हो, तो अप्रिलिया 125 स्ट्रोम क्यों लेना चाहोगे, तो आज इस वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए। ऑल ओवर जितने भी 125 सेगमेंट्स की बाइक है, उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही ज़्यादा एडवांस देखने के लिए मिलता है, पर इसमें कंपनी ने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया। आपको सिंपल सा एक एनालॉग में स्पीडोमीटर मिल जाता है और डिजिटल में आपको एक छोटा सा ओडोमीटर, टाइम्स, किलोमीटर्स, लो फ्यूल इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको दो बटन्स मिल जाते हैं, इंजन माल फंक्शन मिल जाता है, लो फ्यूल पेट्रोल का भी आपको लाइट मिल जाता है देखने के लिए। तो ज़्यादा तो एडवांस इसमें आपको कोई फीचर्स नहीं मिलते, बट येस रेगेड लुक मिलता है। लुक वाइज आपको स्कूटी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पावर आपको अच्छा मिलता है, ऑफ रोडिंग टायर्स मिलते हैं, सस्पेंशन अच्छे मिलते हैं, सब में आपको आई थिंक 14 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं, पर इसमें आपको 12 इंचेस के अलॉय मिलते हैं, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल आपको राइड प्रोवाइड करेगी। फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, लगती नहीं है कि कोई स्कूटी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक लगता है देखने में आपको, मतलब यूनिक स्टाइल का एक फुल इसका फ्रंट का लुक लगेगा देखने में। ये सेल्फ एंड किक में प्रेजेंट है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। फ्रंट में आपको हैलोजन बस सेटअप मिलता है, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में ही देखने के लिए मिलते हैं। ऑल ओवर लुक आपको फुल मैट में देखने के मिलेगा, अप्रिलिया की ब्रांडिंग। यहाँ आपको वी शेप में रेड, व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मैट में इसका हेडलाइट कवर्स मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग आपको ब्लैक कलर में मिलेगी और नीचे में आपको हैशटैग बी राइडर का भी लोगो मिल जाएगा देखने के लिए। ऑल ओवर लुक्स ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्रेजेंस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फील होगा। ऑल ओवर टायर्स के बारे में बात करें, तो टायर सेक्शन आपको फ्रंट का मिल जाता है, 120x80 या 12 इंचेस के आपको ब्लैक अलॉयज मिल जाते हैं। इसमें आपको फ्रंट में कंपनी डिस्क प्रोवाइड करती है 200mm का और यहाँ पर आपको वाइवरी के कैलिबर्स मिल जाते हैं। फ्रंट कैलिबर्स आपको सिंगल पिस्टन कैलिबर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है गाइस, वो आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है और सस्पेंशन आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड करी है। स्पेस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है, ऑफ रोडिंग टायर्स मिलते हैं, मतलब आपको कंफर्ट राइड मिलने वाली, आप इस स्कूटी को ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये इसमें अच्छा प्लस पॉइंट मिलता है, जो कि आप कोई भी और 125 सेगमेंट की स्कूटी में नहीं कर सकते। ग्रैबरिल आपको इनोसेंट सा मिलता है देखने के लिए, टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, एक रिफ्लेक्टर, दो इंडिकेटर्स, क्लियर लेंस इंडिकेटर्स कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाता है, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट मिल जाता है और ऑल ओवर यहाँ पर आप पीछे का लुक देख सकते हैं, जिसमें आपको फाइबर का वर्क मिल जाएगा। थ्रो आपको दिखा देते हैं टेल लैंप का, कुछ इस तरह से ब्रेक मारने पर लाइट थोड़ी सी और ज़्यादा हाई हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो नाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें, हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर आपको सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑल ओवर इसका इंजन मिल जाता है BS6 में। इंजन के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाती है 124.4 cc की, सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, एयर कूल, SOHC इंजन मिलता है, थ्री वॉल मिलता है, मैक्सिमम PS 9.92 और मैक्सिमम टॉर्क 9.6 Nm, जो कि आपको मिलता है 5500 में। BS6 कंप्लाइंट इंजन है गाइस, किक और सेल्फ के साथ आती है, तो पावर और टॉर्क आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आप इसका टायर देख सकते हो, पीछे में भी आपको कंपनी ऑफ रोडिंग ही टायर प्रोवाइड करती है। टायर सेक्शन आपको मिल जाता है 130x80 या 12 इंचेस के आपको अलॉयज मिल जाते हैं। पीछे में कंपनी आपको ड्रम प्रोवाइड करती है 150mm का और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट देख सकते हो, प्रीटी मच छोटा सा एग्जॉस्ट, उसके ऊपर का जो कवर आपको मिलता है वो फाइबर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इसका फैन देख सकते हो, फैन का लुक आपको फुल मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा, ऑल ओवर लुक्स। और इसका जो आपको यहाँ पर पिलियन फुटरेस्ट अगर बोला जाए, तो ये आपको इनबिल्ड मिलता है इसके साथ, बाहर निकला हुआ नहीं रहता, तो लुक्स वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है तो एग्रेसिव पॉस्चर भी आपको देखने के लिए मिलता है। सीट हाइट आपको मिल जाती है 755mm की और यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है कुछ सामान वामान कैरी करने के लिए, अप्रॉक्स 3 kg का आप सामान उसमें ले जा सकते हो। सीट के नीचे आपको कोई भी हुक्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, प्लेन एकदम मिलता है। और यहाँ पर आप इसके देख सकते हो ऑल ओवर लुक्स। यहाँ पर जो चीज़ है गाइस, ये कुछ मतलब आपका रैक वुक रखने के लिए नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई जिसमें आपका चीज नंबर लिखा हुआ है बस उसके लिए। तो ये चीज़ का गलती मत करना कि यहाँ पर आपको कुछ रैक मिल रहा है या फ़ोन चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, इसमें आपको कोई भी ऐसी कुछ भी चीज़ कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। ऑल ओवर सीट देख सकते हो, सीट आपको अच्छी मिलती है, कंफर्टेबल, कुशनिंग अच्छी मिलती है। सीट हाइट आपको मिल जाती है 755mm की और इसमें आपका जो पीछे का बूट स्पेस होता है वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल ओवर लुक, क्योंकि इसका इसमें आपको जो फ्यूल टैंक और जो बूट स्पेस एक ही जगह मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब आप एक स्मॉल हेलमेट तो रख ही सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेस आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है, ना ज़्यादा ना कम। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रबरिंग हुक मिल जाता है, जिसमें आप अपने कुछ भी पेपर्स रख सकते हो ऐसे। और यहाँ पर आपको ये बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 6 लीटर्स की, रिजर्व मिलता है 1.2 लीटर्स का। और कंपनी क्लेम्स कि ये स्कूटी आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी 40+, तो इसका माइलेज भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। बात कर लें इसके एक बहुत ही अच्छे फीचर के बारे में, जो कि मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका स्टैंड। इसको मतलब आराम से कोई भी इजीली इस स्टैंड को यूज़ कर सकता है, बच्चे भी इसे आराम से कर सकते हैं, बहुत ही इजी से हो जाता है। क्योंकि इसका जो स्टैंड का जो साइड का जो लुक दिया हुआ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, जिसके वजह से आराम से ये गाड़ी लिफ्ट हो जाती है, और गाड़ी का वेट भी थोड़ा सा कम है, जिस वजह से गाड़ी आराम से लिफ्ट हो जाती है। ऑल ओवर ये रही इसकी की गाइस, इसमें आपको एप्रिलिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी देखने के लिए। और ये रही इसका फुल लुक, गाड़ी में कोई भी ज़्यादा न्यू अपडेट्स नहीं, वही सेम फीचर्स जो कि आपको 2022 में देखने के लिए मिले थे, वही सेम चीज़ मिल रही है। पर यस, वैल्यू फॉर मनी स्कूटी है। अगर आप ये स्कूटी लेना चाहते हैं तो आप हमारे शोरूम में आ सकते हैं, शोरूम के डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल ओवर बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में गाइस। तो गाइस, इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,07,702 रुपीज़। और ऑन रोड प्राइस गाइस सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो हमारी सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है 1,25,980। आपकी सिटी में जो भी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा गाइस। तो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।